माइक्रो बॉडीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये दीज आर वेजिटल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड दैट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंड अदर एंजाइम्स। ये ऐसे वेजिकल्स हैं जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की इनकॉर्पोरेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेटिव और दूसरे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स एग्जाम्पल के तौर पर इसने बताया। इसका काम क्या है, इट आइसोलेट्स पर्टिकुलर केमिकल एक्टिविटीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। एक सेकंड, जरा होल्ड कीजिएगा। ओके जी, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द प्रोटीन्स। प्रोटीन भी कौन सी? एक्टिन। देखिए, हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसके अंदर दो प्रोटीन्स होती हैं, एक एक्टिन होती है, एक मायोसिन होती है। अगर आपको याद हो, एफएससी को थोड़ा सा रिमाइंड करें, आपने पढ़ी हुई है ये चीजें, ठीक है। उनको हम माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर की बात हुई है जो कि माइक्रोफिलामेंट है, और वो प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन है। गिव स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड असिस्ट इन द सेल मूवमेंट। स्ट्रक्चर की सपोर्ट करेगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा, जो कि हमारे अपने मसल्स भी करते हैं। हमारे मसल्स इसी काम के लिए हैं कि वो हमारी स्ट्रक्चर को डिफॉर्म नहीं होने देते, और साथ ही साथ हमें हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में। माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या है? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको भी दिखाती हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो चीज आपको नहीं क्लियर होती ना, आपके पास गूगल भरा पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर डिफरेंट आगे उसकी हेलिक्स बने हुए हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, लेकिन वैसे ये होलो स्ट्रक्चर्स हैं। कहाँ गया जी? हाँ जी, काम क्या है इसका? इट असिस्ट इन मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड क्रोमोसोम्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्ट करता है, और ये फ्लैजेला, सीलिया और क्रोमोसोम्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, क्लाउड ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दैट कंटेन सेंट्रियोल्स। ये क्या करते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के अंदर, जिनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये साइटोस्केलेटन का ही हिस्सा हैं, लेकिन उनको एज अ सेपरेट आप कह सकते हैं कि सेपरेट ऑर्गेनेली के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दीज आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दैट कंटेन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स के आसपास ही है ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ये। ये क्या करता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को, सेंट्रियोल्स को अरेंज करके रखता है, उनकी अपनी जगह से उनको हिलने नहीं देता। ये इसका फंक्शन क्या है? डेंस साइट इन द साइटोप्लाज्म दैट गिव्स राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विद डिफरेंट फंक्शन इन द साइटोस्केलेटन। अच्छा, ये क्या है? ये डेंस साइट है, मतलब कि वहां पे इसकी डेंसिटी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की और सपोर्ट सेंटर की का भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, उनकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन के अंदर डिफरेंट तरह से सपोर्ट करने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन इसकी जिम्मेदारी है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है, इट इज जनरेटर ऑफ द सेल, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑर्गेनेली विद डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने देखा है ना, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस है सेल का, ये जनरेशन करता है एनर्जी की। ये देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, एक इसकी बाहर मेम्ब्रेन है और फिर अंदर भी इसके मेम्ब्रेन फोल्डेड मेम्ब्रेन है फिर इसके अंदर, ठीक है। कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू अ फॉर्म दैट द सेल कैन यूज। उस फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है जो कि जिस फॉर्म में सेल को यूज कर सके, सेल एनर्जी को यूज कर सके। न्यूक्लियस, ग्राउंडेड मैस विद न्यूक्लियस कंटेन्स आर सॉरी ये न्यूक्लियोलस है। ग्राउंडेड मैस विद न्यूक्लियस कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन। प्री असेंबली पॉइंट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्री असेंबली यानी कि उनकी फॉर्मेशन से पहले का जो सारा सिस्टम होता है वो न्यूक्लियोलस में होना होता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल। न्यूक्लियोलस आपको याद है कि है क्या? इनफैक्ट
न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कर पोर्शन दिखाते हैं वो हमें ना, उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ आपको ये चीजें देखनी भी हैं, आपको क्लियर करना है। देखें, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अंदर एक डार्कर पोर्शन दिखाया हुआ है, वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम्स की प्री असेंबली होती है। ये न्यूक्लियस का उन्होंने ट्रांसेक्शन दिखाई हुई है कि यहाँ पे एक साइड उसकी कटी हुई है, दरमियान में उसके न्यूक्लियोलस है और साइडों में ये उसने क्रोमैटिन दिखाया हुआ है। अच्छा जी, न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड डीएनए। ये तो अभी मैंने आपको दिखाया फिगर कि ये यहाँ पे इसके पास ये जो क्रोमेटिन दिखाया ना, ये डीएनए के मतलब के ये क्रोमोसोम्स हैं, या डीएनए है, आप जिस तरह भी कह लें, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर ही डीएनए अपने हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? इट कंटेन्स डीएनए दैट कंट्रोल सेल जेनेटिक प्रोग्राम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल की जेनेटिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, और डीएनए को इसने जगह दी हुई है रहने की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, आउट बाय लेयर्ड बाउंड्री ऑफ सेल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। जो अगर आपको याद आए कि जब हमने पढ़ा था फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको एम्बेडेड प्रोटीन्स, उनके साथ चेन फॉर्म में लिपिड्स और सॉरी चेन फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल दिखाए थे और फॉस्फोलिपिड्स दिखाए थे, ठीक है। हेड था फास्फेट का और उनकी लेग्स जो थी वो लिपिड्स की थी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल मूवमेंट एंड सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। प्रोटेक्ट कर रही है सेल को, उसके साथ ही साथ सेल के अंदर मटेरियल की मूवमेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कैसे होनी है, और सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जिस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जितनी ज्यादा प्रोटीन्स होंगी, जितने तरह की प्रोटीन्स होंगी, जितने टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल चेन्स होंगे, जितने तरह के वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, तो वो सेल की स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। तो सेल की रिकॉग्निशन हम उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हुए भी लगाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन, सम आर फ्री एंड सम आर अटैच्ड टू द ईआर। कुछ हमारे पास राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम के अंदर सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर अचानक घूम रहे होते हैं, ठीक है, फ्री घूम रहे होते हैं, और कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये आरएनए और प्रोटीन को पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और इसका काम क्या है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि आरएनए इसके पास, तो जब ट्रांसलेशन होगी आरएनए से, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है, और आरएनए से ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास प्रोटीन सामने आती हैं। तो वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेल की जरूरत की होती हैं, और वो प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो इन राइबोसोम्स के अंदर होती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन सराउंडेड ऑफन लार्ज सैक इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बड़े होते हैं अक्सर औकात, और सैक लाइक होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे अगर आपको प्लांट सेल याद आए, तो उसके अंदर जो सेल का मेजर पोर्शन है वो वैक्यूल ने ही कवर किया हुआ होता है। स्टोरेज साइट ऑफ फूड एंड अदर कंपाउंड्स, ये क्या करता है? इट इज एक्टिंग एज द स्टोरेज साइट, आल्सो पंप्स वाटर आउट ऑफ सेल। अगर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो वो सेल का एक्सेसिव वाटर सेल से बाहर रिलीज करने में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट है जी वॉल्ट्स। वॉल्ट्स क्या है? साइटोप्लाज्मिक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन शेप लाइक ऑक्टागोनल बैरल्स हैं। वॉल्ट्स जो है ना, ये वैसे आम रूटीन में लेबल नहीं हुआ होता सेल के अंदर, लेकिन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल। कुछ सेल्स में ये मौजूद होते हैं, और ये होते कहाँ हैं? ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और ये ऑक्टागोनल बैरल्स की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टागोनल मतलब एट कॉर्नर्स वाली शेप होगी इसकी, ठीक है। इसका काम क्या है? इट डॉक एट द न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर के ऊपर ये बैठा रहता है एक तरह से, पिक अप मॉलिक्यूल सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स को पिक करेगा एंड डिलीवर देयर लोड टू द वेरियस प्लेसेस विद इन द सेल।
और सेल में जहां पे वो रिक्वायर्ड होंगी वहां पे वो ले जाएगा उसको, और वो वहां पे उसको जाके अनलोड कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियस से सेल के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट मटेरियल को पहुंचाने के लिए जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल में आती हैं वो वॉल्स हैं। लास्ट वन इज द वेसिकल, स्मॉल मेम्ब्रेन सराउंडेड सैक्स कंटेन्स एंजाइम्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ये क्या करती हैं, छोटे से मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, ये एंजाइम्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है जी साइट ऑफ इंट्रासेलुलर, सॉरी इसका फंक्शन है साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। साइट ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको स्टोर भी करके रखते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जितने भी यूजलेस मटेरियल्स होते हैं वो वेसिकल्स के अंदर आके जमा हो जाते हैं, फिर वहां पे उनकी डाइजेशन हो जाती है, फिर वो तब तक वहां पे स्टोर रहते हैं जब तक वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट ना हो जाए, ठीक है। ये था हमारा टेबल, ठीक है। ये आज हमने शॉर्ट सी फॉर्म में इसको डिस्कस किया है, और आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम डिटेल से ये सारी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर दिए हैं, ठीक है। तो दिस लेक्चर द नेक्स्ट लेक्चर विल बी लिटिल बिट लॉन्गर देन दिस वन, तो आप लोगों ने जो है वो रेडी होके बैठना है और रास्ते में छोड़ना ही है, और आप लोग साथ साथ इस चीजों को कवर करें और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनको क्लियर किया करें साथ साथ, और जो भी आपकी क्यूरीज हो वो आप मुझसे फ्रीली शेयर कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जो अभी हमें मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम एक तरह से हमें मिल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे ये मत कहिएगा प्लीज कि हमें ये पता नहीं था, लेक्चर्स नहीं सुने या अभी तक सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली टू। अल्लाह हाफिज़।